चलिए। चले तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टाइल्स का है, ठीक है। और टाइल्स जो है हमने सब ने देखा है जनरल लाइफ में, टाइल्स कहाँ यूज़ होती है, क्या क्या काम होता है। कोई बता सकता है कहाँ कहाँ हम टाइल को यूज़ करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। रूफ, फ्लोर, वॉल, सब ये सब कवर करने के लिए। वॉल हुआ, ओके। फ्लोर, फ्लोर पे भी यूज करते हैं यस yes. सर। क्या हम रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं क्या? नो सर। नो सर। नो। चलिए तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइल क्या होती है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, टाइल का टॉपिक समझने से पहले आपको ये माइंड में बिठा लेना है कि टाइल एक ब्रिक का ही टाइप है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो फॉर्म मैन्युफैक्चर फ्रॉम द क्ले। वही क्ले से ही बनता है, सारा प्रोसीजर वही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर भी वही है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ड्राइंग और बर्निंग, और सॉरी प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग, यही काम हमने क्ले में किया था, वही काम यहाँ किया है, ठीक है। तो काम सारा टाइल की, अगर हम एक तरह से कह दें कि एक्सटेंडेड वर्जन है ये ब्रिक का, बस साइज डिफरेंट है इसकी, ठीक है ना। साइज डिफरेंट है इसकी, शेप डिफरेंट होती है इन कंपेयर टू द ब्रिक, लेकिन एक ब्रिक का ही एक टाइप माना जाता है इसको। तो सबसे पहले हम टाइल के बारे में देखते हैं। तो ये वो आपका स्ट्रक्चर रिलेट है, विच इज मोल्डेड फ्रॉम द क्ले इन सूटेबल शेप एंड बर्न टू द मॉडिफिकेशन टेम्परेचर। हाउ द टाइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी ब्रिक, दे आर डिफरेंट इन डायमेंशन, दे आर डिफरेंट इन शेप एंड दे आर डिफरेंट इन द डिग्री ऑफ बर्निंग। जितना बर्निंग का टेम्परेचर हमारा ब्रिक का होता है, उतना टेम्परेचर हमारा नहीं होता है। द टेम्परेचर फॉर बर्निंग ऑफ द टाइल्स इज डिफरेंट इन कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी ब्रिक। सो अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग टाइप के टाइल्स को यूज करते हैं। उस टाइप में अलग अलग उनकी डिजाइनिंग अलग होती है, उनका डायमेंशन भी अलग होता है, शेप अलग होती है। आपने अलग अलग टाइप की शेप देखी होगी, ठीक है। उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ड्रेन कंडीशंस, फ्लोरिंग, पार्टीशन वॉल में भी यूज करते हैं, रूफिंग के केसेज में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर थिनर देन द ब्रिक्स विच इज़ यूज फॉर द सिमिलर पर्पज। अगर आप पार्टीशन के लिए ब्रिक यूज कर रहे हैं, लेकिन आप वहीं आप उसको आप पार्टीशन वॉल के लिए टाइल भी यूज कर सकते हैं, बट दे आर थिनर इन कम्पेयर टू द ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम एक बार इसके स्टेप्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो वही सेम स्टेप्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, देन मोल्डिंग ऑफ क्ले या मोल्डिंग ऑफ वेट क्ले इन टू द रिक्वायर्ड साइज शेप, देन ड्राइंग एंड देन बर्निंग प्रोसेस। यही चार पढ़ा था हमने ब्रिक के केसेस में भी, चार ही मैन्युफैक्चरिंग के मेन स्टेप थे। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि एक अच्छी टाइल की या जो आपकी एक आइडियल टाइल होती है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। दीज आर ऑल्सो सिमिलर टू द ब्रिक्स, इट शुड पजेस अ यूनिफॉर्म कलर, है ना। चारों तरफ जो उसका कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली बर्न, बर्निंग का प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, इवन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द क्रैक्स, फ्लो एंड बैंड्स। देर शुड बी नो बैंडिंग इन द शेप ऑफ टाइल। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द क्रैकिंग ऑल्सो। इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, प्रॉपर शेप एंड साइज, इवन एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट इट शुड बी डेंस इन ऑल ओवर द सर्फेस। ऐसा नहीं कि किसी जगह आपका पोरस है और किसी जगह आपका बहुत ज़्यादा हाई डेंस है। एंड इट शुड क्रिएट द क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन इट स्ट्राइक टू ईच अदर। यही हमने ब्रिक के बारे में भी पढ़ा था, आपको याद है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्वालिटी ब्रिक, ये वी कैन से ए क्लास ब्रिक वी कैन से। तो यही सब चीज़ें yes, आपकी ब्रिक के केस में भी थी, ठीक है। चलिए अब हम टाइल्स के बारे में, ठीक है। टाइल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली आपका कि कहाँ कहाँ आप उसको यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे, क्ले फ्लोर टाइल, क्ले वॉल टाइल्स, क्ले रूफिंग टाइल, क्ले ड्रॉइंग टाइल,
एंड ग्लेज्ड अर्दनवेयर, ठीक है। ग्लेजिंग अर्दनवेयर आप देखेंगे आगे हम लास्ट में, जो आपके अलग अलग तरह के जो डिजाइंस होते हैं, जो टॉयज होते हैं या जो जितने भी आपके मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं या अलग अलग जो बर्तन बने हुए होते हैं, सारे दे आर इंक्लूडेड इन द ग्लेज अर्दनवेयर। सो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टाइल। सबसे पहले स्टार्ट विद अ फ्लोर टाइल। फ्लोर टाइल में आपको दिख रहा है कॉमन कि जनरली दीज आर यूज इन द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, ठीक है। फ्लोर टाइल्स का अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इनका जो होता है वो आपका 20x20x2, ये आपका मोस्ट कॉमन साइज है जो हम यूज़ करते हैं, 15x15x1.8। जैसे हमने ब्रिक के केस में किया था 20x10x10 द स्टैंडर्ड साइज, सिमिलरली द स्टैंडर्ड साइज ऑफ टाइल विच इज यूज 20x20x2 वेयर द लेंथ एंड विड्थ आर 20x20 एंड द डेप्थ और वी कैन से थिकनेस ऑफ द टाइल इज द 2 cm। Similarly, another most widely used dimension of the tile is 15x15x1.8 and 22.5, 22. If you want to write in the mm, then we can say 115x115x18, okay? Or we can say 225x225x22 mm. अगर mm के cases में आप करते हैं तो floor tile के basis पे आपको सबको पता है कि it should possess the, it should resist the load, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखिए क्या क्या क्वालिटीज फ्लोर टाइल के लिए रिक्वायर्ड है। हार्ड टू रेजिस्ट द वेयर, क्योंकि लोडिंग का काम होता है, ठीक है। लाइव लोड भी रहता है, डेड लोड तो नहीं होता है लेकिन लाइव लोड ज़्यादा होता है। इट शुड बी वेल बर्न्ड एंड गिव रिंगिंग साउंड वाइल स्ट्रक विद ईच अदर। आपके सिलेबस में देखिए वैसे तो टाइल्स के बारे में सीधा आपके टेस्ट ही गिवन है, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। कई बार टाइप्स ऑफ टाइल आपका पूछ लेता है सिलेबस में, कई बार पूरा लिखते नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लेता है, इसलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में आपको इनके बारे में जो चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो इनके डायमेंशन क्या है, कि क्या इनकी शेप रहती है, ठीक है। वो आपका अलग अलग टाइल के लिए अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। डायमेंशन के बेसिस पे जैसे हमने ब्रिक के लिए टॉलरेंस टेस्ट किया था, टॉलरेंस टेस्ट हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया था, क्या पर्पज था टॉलरेंस टेस्ट का? हमने ब्रिक के लिए टॉलरेंस टेस्ट किया था, उसका क्या पर्पस था भाई? सर 20 ब्रिक को एक लाइन में हॉरिजॉन्टली रख के उसका डायमेंशन लेते थे और उसमें जो घटबड़ होता है जो 3 ± 3 mm डायमेंशन का बेसिस ही ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जब ब्रिक्स आप एक लाइन में ले डाउन करते हैं तो उनकी ओवरऑल डायमेंशन शुड बी इन द रेंज ऑफ द इंडिविजुअल ब्रिक मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ब्रिक्स, यही करते थे हम। डायमेंशन टेस्ट होता था बेसिकली टॉलरेंस टेस्ट का। सिमिलरली यहाँ भी आपकी ब्रिक में इसकी टॉलरेंस जो है फ्लोर टाइल के केस में इट शुड बी 1 ± 3 mm फॉर द लेंथ एंड विड केस एंड इट शुड बी ±1.5 mm इन द केस ऑफ थिकनेस, ठीक है। तो टॉलरेंस आपको दे रहा है मतलब इट इज अ टॉलरेंस लिमिट की जहाँ तक आपका एक्सेप्टेबल है। अगर आपका +3 mm और -3 mm जा रहा है लेंथ और विड के केस में देन इट इज ओके। अगर आपका +1.5 या -1.5 जा रहा है इन द केस ऑफ थिकनेस देन इट इज ओके। इट शुड नॉट बियॉन्ड दिस स्पेसिफाइड रेंज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनिफॉर्म टेक्सचर थ्रू आउट द बॉडी। दीज आर द सम रिक्वायरमेंट्स फॉर द फ्लोर टाइल्स। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द रूफिंग टाइल्स। हमने देखा है सब इनके बारे में, रूफिंग टाइल्स के बारे में सब ने देख रखा है कि बेसिकली जो रूफिंग आपकी टाइल्स होती है वो जितनी भी हमारी GI सीट्स जो होती है, आयरन की सीट आपने देखी होगी पहले, हम जो आयरन के जो आपके कास्ट आयरन के जो चद्दर हम लगाते थे ना, वो जो GI सीट्स होती थी, बेसिकली अल्टरनेट आपका जो GI सीट्स होती है उनको रूफिंग टाइल का अल्टरनेट माना गया है, ठीक है। GI सीट्स का अल्टरनेट रूफिंग टाइल को क्या होता है, इसमें हमने पहले रूफिंग के लिए हम टिम्बर भी यूज़ करते थे, आपकी जो गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट्स भी होती थी, ठीक है। उस केस में स्लोपिंग रूफ के लिए हम यूज़ करते थे इस तरह के जो आप टाइल्स का जो देख रहे हैं वो आप उसमें कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या क्या क्वालिटीज है, इट शुड बी एब्सोल्युटली लीक प्रूफ। अगर आप उसके केस में यूज कर रहे हैं तो आपका लीक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी नो लीकेज एनी काइंड ऑफ,
इट शुड बी वेरी ड्यूरेबल, क्योंकि ये क्या होता है आपका एटमोसफेयर के एक्सपोज में रहता है, एक्सपोजर में रहता है, अलग अलग डिफरेंट आपके रेनी सीजन भी आपका होता है, उस केस में भी आपको होता है, ठीक है. तो इट शुड बी ड्यूरेबल इन ऑल काइंड ऑफ केसेस, इजी टू फिक्स ऑन द रूफ, आपका बहुत आसानी से और बहुत जल्दी है जो इसको रूफ के ऊपर फिक्स किया जा सकता है, इजी टू इंस्टॉल वी कैन से, एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट इन कम्पेयर टू द GIC, इन कम्पेयर टू द टिम्बर, द रूफिंग टाइल्स आर रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस. अगर हम इसकी बात करें कि आगे इसके जो टाइप्स हैं, तो ये भी कुछ एक अलग अलग डिजाइन के बेसिस पे, अलग अलग शेप एंड साइज के बेसिस पे कुछ टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया था. हम एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फोर टाइल के बारे में. फोर टाइल देखिए, इट इज ऑर्डिनरी बट कॉमन क्लास ऑफ रूफिंग टाइल, ठीक है. इसकी डायमेंशन अगर हम बात करें, देखिए ये जो फोर टाइल आपकी है, ये दीज आर द सेमी सर्कुलर इन शेप, ठीक है. दीज आर द सेमी सर्कुलर इन शेप, तो इस डायमीटर जो होती है वो आपके 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों के किस शेप में होती है. लेंथ अगर हम इसकी बात करें तो इट शुड हैव 20-25 सेंटीमीटर. थिकनेस की अगर हम बात करें, ये जो थिकनेस है इसकी, देखिए थिकनेस कहाँ से होगी आपकी इसकी, ये जो थिकनेस है ये आपका, इट शुड बी अराउंड 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर. चलिए अब इसके बारे में हमने बात करा कि इसकी जो मोल्डिंग होती है ना, वो दो तरह से होती है. बेसिकली मोल्डिंग, दे आर मोल्डेड बाई पोटर, जो हमारा हैंड मोल्डेड, जो हैंड मोल्डिंग का जो केस होता है, आपने कई बार देखा होगा, जो अर्थनवेयर जो हमारे बनाता है, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, ठीक है, और रोटेटरी व्हील आपका होता है, इसी तरह से सिमिलरली वहाँ पे इसी को मोल्ड किया जाता है, ये जो आपकी पोर्ट टाइल्स होती है, ठीक है. इसके बाद की जो नेक्स्ट टाइल है आपकी, वो है आपकी फ्लैट टाइल्स. अगेन इट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड बाय द टर्म फ्लैट टाइल्स, ठीक है. दे आर रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म. जो जितने हम ये टाइप पढ़ रहे हैं रूफिंग के केसेज में, रूफिंग के केसेज में अगर आप यूज कर रहे हैं इस तरह से, अगर आप उसकी यूज करें इस तरह की टाइल, तो वो आपकी पोर्ट टाइल्स है, ठीक है. आगे हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका एक्सटेंडेड पार्ट, कई बार ओवरलैपिंग का केस भी होता है, ठीक है. वो आगे हम मैंगलोर टाइल के बारे में भी हम देखेंगे. तो ये बेसिकली अगर आप यही टाइल यहाँ पे जो फ्लैट के केस में यूज करें, अगर फ्लैट केसेज में फ्लैट आपका एकदम ये देख रहे हैं आप टाइल, ये फ्लैट टाइल्स है, रूफिंग के केसेज में यूज करें जनरली, या वी कैन सी मोस्टली दीज टाइप ऑफ टाइल्स आर यूज इन द केस ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लोपिंग टाइल्स. आप ये देख रहे हैं ये जो केस है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोपिंग है, यहाँ से डाउनवर्ड स्लोप है, तो स्लोपिंग के केस में हम इस टाइप के टाइल कंस्ट्रक्शन को रिकमेंड करते हैं. फ्लैट टाइल्स दे आर ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर एंड यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप. दीज आर शुड बी फ्री फ्रॉम द डिस्टॉर्शन लाइक बैंड. देर शुड बी नो बैंडिंग, नो ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग बैंडिंग जो आपका केस होता है कि लेट्स सपोज कि अगर आपका ये टाइल है, ठीक है, टाइल में अगर आपका हल्का सा भी इस तरह से, ये जो इसका इस तरह का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका इस तरह से अगर होगा तो इट विल फॉर्म ए ट्विस्टिंग. सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम ट्विस्टिंग एज वेल एज क्रैकिंग ऑल्सो. मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट. तो इट शुड नॉट एक्सीड more than 20%. They are also used a lot in the combination of pore tiles for roofing. कई बार इसको हम singular केवल flat tile के केस में भी use करते हैं, और कई बार they are combined with the pore tiles, which make the combination of flat tiles plus pore tiles. Wait just a minute. ओके अब इसमें एक जो रूफ टाइल है, इसमें हम ये रूफ टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है. रूफ टाइल में हमने पहले पोर्ट टाइल पढ़ा, फिर हमने आपका फ्लैट टाइल पढ़ा, अब इलाहाबाद टाइल. इलाहाबाद टाइल जो बेसिकली आपकी होती है, वो भी एक तरह से आपका सर्कुलर इन सेमी सर्कुलर शेप होती है, बट दे आर सुपीरियर, मच सुपीरियर देन द पोर्ट टाइल्स, ठीक है. एक्चुअली द पोर्ट टाइल्स आर मोल्डेड बाय द मैनुअली, है ना, हैंड मोल्डिंग के केसेज में हम उसको करते थे, बट दीज इलाहाबाद टाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड और वी कैन से आर कंप्रेस बाय द मशीन मोल्डिंग. मशीन मोल्डिंग के थ्रू इनको किया जाता था, एंड एन अल्टरनेट
if you can see in the diagram, then interlocking arrangement is also provided. You can see this is the complete tile, okay, a single Allahabad tile. Then again this is interlocked in from the another tile, so interlocking arrangement is also provided. ठीक है, इलाहाबाद टाइल जो आपकी होती है उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम आपका प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, अगर हम इसकी कई बार इसके जो एडजस्टमेंट होता है उस केसेस में आप यहाँ पे इनके बीच में कई बार आप फ्लैट टाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डेकोरेटिव पर्पज से भी आप इसको काम में लेना चाहते हैं. अदरवाइज दीज कैन बी यूज इन द इंटरलॉकिंग और वी कैन से कंटिन्यूस प्रोसेस. वहाँ पर आपको इंटरलॉकिंग का सिस्टम प्रोवाइड कराता है इलाहाबाद टाइल्स. ठीक है, फ्लैट टाइल्स आर लेड बाय साइड एंड जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट टाइल आर कवर्ड विद अ हाफ राउंड पोर्ट टाइल्स विच आर ओवरलेप ईच अदर. दिस इज एन अपीलिंग रूफिंग पैटर्न. आपके वो रूफिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सिंगल टाइल को यूज करना चाहते हैं या इसके साथ में आप किसी और दूसरी तरह के टाइप को टाइप के टाइल को आप इसमें कंबाइन करना चाहते हैं. इलाहाबाद टाइल की जैसे ही आपका एक और जो फेमस टाइल है दैट इज द मैंगलोर टाइल. मैंगलोर टाइल इनका नाम एक्चुअली इसलिए है क्योंकि दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन अर्लियर डेज. आज तो अलग अलग जगह पे होता है कंस्ट्रक्शन, लेकिन पहले इसका दे आर सो नेम ड्यू टू द अर्ली मैन्युफैक्चरिंग इन द मैंगलोर. साउथ इंडिया का जो हमारा पोर्शन है वहाँ मैंगलोर उस जगह पे इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया जाता था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा. दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ टाइल आर फेमस एज द मैंगलोर टाइल. मैंगलोर टाइल की केसेस में अगर हम बात करें तो यू कैन सी आई विल शो यू द अनदर पिक्चर ऑफ मैंगलोर टाइल. जस्ट वेट. यस, ये दिख रहा है आपको सबको. ये आपका मैंगलोर टाइल का एक डिजाइन होता है आपका इस तरह का जिसमें सम होलो स्पेस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. ठीक है, तो इस तरह का डिजाइनिंग पैटर्न है आपका. अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो इस तरह का आपका ये मैंगलोर रूफ का जो पैटर्न होता है वो आपका यहाँ पे फॉर्म्ड होता है. ठीक है, इस तरह से ये मैंगलोर टाइल का कंस्ट्रक्शन होता है. यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग पैटर्न आपको प्रोवाइडेड होता है. चलिए, डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन जो आपका होता है इसका वो आपका 410 × 235, 420 × 250, 425 × 260 mm. बेसिकली अगर हम इसकी बात करें कि इनका जो वेट होता है तो वेट ऑफ द सिक्स मैंगलोर टाइल शुड नॉट बी लेस देन द 2 kg एंड शुड नॉट बी मोर देन द 3 kg. इट मीन्स इट शुड बी इन बिटवीन द रेंज ऑफ 2 kg to 3 kg. इनका बेसिकली डायमेंशन और वेट के बेसिस पे इनको और जो इनका स्ट्रक्चरल पार्ट है उसके बेसिस पे इसको अलग से डिफाइन किया गया है. ठीक है, दो टाइप के आपके इसमें होते हैं. पहला जो है आपका क्लासिफिकेशन, जो अगर हम बात करें कि डबल ए क्लास का जो होता है उसका मॉइस्चर जो एब्जॉर्प्शन आपका होता है, या अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो आपका है इसका 10% शुड बी लेस देन. अगर हम अच्छी क्वालिटी डबल ए क्लास की अगर हम बात करें, मैंगलोर टाइल बेसिकली दो कैटेगरी में आती है, डबल ए कैटेगरी एंड ए कैटेगरी. तो उस केस में अगर हम बात करें तो द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 10% इन द केस ऑफ डबल ए कैटेगरी. और इट शुड द ब्रेकिंग लोड वी कैन से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इट शुड बी 102. ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि डबल ए क्लास के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए और ए क्लास के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए और इनका जो ब्रेकिंग लोड है जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए. ठीक है, मैंगलोर टाइल के बारे में था ये. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉरुगेटेड टाइल. कॉरुगेटेड टाइल बिल्कुल जो हमने जीआई शीट्स आपने देखा होगा लोहे की जो आपकी होती थी वो आपने उस तरह की शीट्स आपने देखी होगी. सिमिलरली उसी डिजाइन उसी पैटर्न में इसको तैयार किया जाता है. ठीक है, कॉरुगेटेड टाइल्स जो है आपकी दे आर सिमिलर टू द फ्लैट टाइल्स इन द मेकिंग एक्सेप्ट देयर सरफेस आर कॉन्टर ड्यूरिंग द मोल्डिंग स्टेज. इन दिस वे दिस टाइल रिजेंबल कॉरुगेटेड कैनवलाइज. जो आपकी जी आई सीट जो होती है उसके केसेज में देखिए वैसे तो सिंपल आपका, लेकिन बेसिकली इसका जो आप जो बीच का सरफेस देखते हैं इसको कॉन्ट्रोल किया जाता है. ठीक है, ताकि इसको थोड़ा सा जी आई सीट वाला आप लुक दे सकें. वैन दिस टाइप ऑफ टाइल्स आर यूज ओवर द रूफ ए साइड लैप ऑफ 102 कॉरुगेशन इज फॉर्म्ड विच गिव द प्लीजेंट इफेक्ट. इस तरह से आपको साइड के पोर्शन में इसको
इस तरह से आपका ये कॉरुगेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, साइड पोर्शन में, इसीलिए ताकि थोड़ा सा इसका लुकिंग भी जो है आपका वो भी थोड़ा सा इफेक्ट इसका प्लीजिंग होता है। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि इट पजेस वेरी गुड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है फ्लोइंग ऑफ वाटर आपका रेन वाटर होता है वो बहुत अच्छा होता है। दैट्स व्हाई कोरूगेटेड टाइल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ GIC, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है पहली बात तो। अगर आप मिट्टी की क्ले की टाइल आप यूज़ करें इन कम्पेयर टू द आयरन, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल इन कम्पेयर टू द GIC। क्ले ड्रेनेज टाइल ड्रेनिंग के पर्पज़ में, जैसे अगर हम कोई भी सीवर डिजाइन कर रहे हैं उस केस में, या फिर अगर हम पहले के टाइम पे आप देखते हैं घरों में जो ड्रेन सिस्टम हम बनाते थे तो क्या होता था, आपका सीमेंटेड सीसी था, आपके जो है वो पाइप होते थे, देखा है सबने सीमेंटेड जो आपके होते थे पाइप, आपने देखा होगा। इसी तरह से आपका क्ले के बेसिस पे भी इस तरह से आपका कई बार ये सेमी सर्कुलर भी यूज किया जाता है। अगर आप जो आपका ड्रेनिंग प्रोसेस आप उसको इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम कोई भी नली नाली वगैरह कर सक करते हैं तो आपका ये हाफ जो आपका ओपन सेमी सर्कुलर टाइप की टाइल्स होती थी वो इस तरह से हम यूज़ करते थे, फिर इसको ना हम आगे अगेन ऐड करते जाते थे, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो उस केस में आप पूरा सर्कुलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने आपको जो आपका घरों के लिए डोमेस्टिक सीवेज के लिए अगर हम बात करते थे उस केस में, आपने कई बार देखा होगा जैसे अगर हम बाहर जो है हमारा जो ब्लॉक्स बनाते थे प्रीकास्ट आपके ब्लॉक्स हम यूज़ करते थे, हमने वहाँ पे तो इस तरह के ब्लॉक्स यूज़ कर रखे, ठीक है, इस तरह के स्क्वायर आपने ब्लॉक्स यूज़ कर रखे, इनमें क्या होता था अलग अलग डिजाइनिंग्स होती थी। ठीक है, इस तरह से आपने ब्लॉक्स को इन ब्लॉक्स को यूज़ किया, यहाँ पे अलग अलग आपका उस तरह से डिजाइनिंग जो आपने देखी होगी इस तरह से बनी हुई होती थी। ठीक है, लेकिन इन ब्लॉक्स के साथ में आप क्या करते थे, इन ब्लॉक्स के साथ में आपको कई बार सर्कुलर भी यूज करना पड़ता था, ठीक है, यहाँ पे रेन वाटर का जो ड्रेनेज होता है उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप क्या करते थे, इस तरह से आप सर्कुलर ये जो टाइल प्रोवाइड कराते हैं इनको हम ड्रेन टाइल कहते हैं, ठीक है, फिर आप इसके बाद में अगेन आप यू कैन यूज योर रेगुलरली ड्रेन टाइल फ्लैट टाइल सॉरी दिस टाइल। सो दो स्टाइल्स आर विच आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द प्ले फॉर द स्पेशल पर्पज ऑफ लाइनिंग ऑफ ड्रेन्स। लाइनिंग के केसेज में आप अगर कैनाल की लाइनिंग करते तो उस केस में भी आप यूज करते हैं लाइनिंग टर्म। आपने सुना है कभी कैनाल, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइनिंग, कैनाल लाइनिंग का टर्म सुना है कभी आपने? अगर देखिए हम इरीगेशन की केसेज में भी हम यूज करते थे कैनाल जो आपकी होती है ना, कि लेट सपोज आपका कोई भी नहर है आपने वो कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया इस तरह से, ठीक है, दो तरह की कैनाल होती है, एक होती है जो बिल्कुल मिट्टी की बनी हुई होती है, ठीक है, और दूसरी होती है जो एकदम आपका सीमेंटेड बनी हुई होती है, सीमेंट के थ्रू या कोई भी इम्परवियस आपका मटेरियल होता है उससे बनी हुई होती है। इट मीन्स लाइनिंग का मतलब ये कि आपने एक ऐसा इम्परवियस मटेरियल की ले रहे हैं इस कैनाल के ऊपर चढ़ा दी नहर के ऊपर, सो डेट कि अब वाटर आपका अंदर परकुलेट नहीं हो पा सकता। लेकिन अगर आप मिट्टी के केस में अगर हम बात करें केवल ओनली आपका जो है विदाउट लाइनिंग के केसेज में, तो वहाँ से क्या होगा वाटर आपका जमीन के अंदर सीपेज होता है, ये अनलाइन कैनाल होती है जब आपने केवल जो वहाँ की नेचुरल सोइल उसके बेसिस पे उसके सरफेस को तैयार किया है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे एक इम्परवियस मटेरियल की लेयर बनाई है तो उसमें भी टाइल यूज़ किया जाता है, आपने टाइल यूज़ कर लिया, आपने कॉन्क्रीट यूज़ कर लिया, कई बार हम एक प्लास्टिक का मटेरियल आपका जो होता है PVC लेयर उसके उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लाइनिंग के पर्पज़ में भी, और इरिगेशन के जो हमारे चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो इरिगेशन के हम बनाते हैं वाटर फ्लो करने के लिए, तो उस केस में भी हम इसको यूज ले सकते हैं। डोमेस्टिक ड्रेन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके टाइल थे, और इसके बाद में जो टाइल का है एक स्पेशल टाइप का जो होता है आपका वो टेराकोटा टाइल है, जो हमने कहा था कि आपका जो डेकोरेटिव पर्पज से या ऑर्नामेंटल पर्पज से हम इस तरह के आपके जो बनाते हैं, ये देखिए ये जितने भी आपके आप फ्लोर पॉट बना रहे हैं या कोई और भी एलिमेंट्स बना रहे हैं आप डिजाइनिंग के पर्पज़ से ऑर्नामेंटल पर्पज़ से, ये सारी जो है आपकी ये टेराकोटा टाइल्स कहलाती है, ठीक है ना। तो टेराकोटा मीन्स बर्न क्ले, इट मे बी डिफाइंड एज अ क्ले प्रोडक्ट विच इज मेड बाय वेरी केयरफुल बर्निंग। टेराकोटा रिक्वायर्ड मोर होमोजिनेशन प्योर टाइप ऑफ क्ले, हाई क्वालिटी ऑफ अर्थनवेयर विच इज यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द
स्टोन फॉर ऑर्नामेंट्स ऑफ बिल्डिंग, स्टोन के केसेस की जगह हम क्या करते हैं इनको यूज करते हैं, तो ये बहुत डेकोरेटिव पर्पज से होता है, तो इन इट रिक्वायर्ड वेरी हाई क्वालिटी और वेरी प्योर क्वालिटी क्ले, ठीक है, इसमें आपके होलो ब्लॉक्स आते हैं, ऑर्नामेंटल और जितने भी डेकोरेटिव ब्लॉक्स आपने देखे होंगे वो आते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेराकोटा भी आर जस्ट सिमिलर टू द नॉर्मल ब्रिक और वी कैन से नॉर्मल टाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। टाइल की मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो इन्वॉल्व फोर स्टेजेस। नंबर वन इज अगेन प्रिपरेशन ऑफ क्ले। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैन्युफैक्चरिंग में पहला आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में मतलब आप कोई अगेन सॉइलिंग करके, हाँ, लेकिन अब जो हम ये एक चीज आपको ये याद रखना होता है कि जो इस टाइप की आपकी जो आप क्ले यूज करते हैं ये बेसिकली टाइल के लिए यूज ऑनली होती है, ये आपकी लोअर लेयर ऑफ ब्रिक क्ले, ब्रिक की जो क्ले होती है उसके लोअर लेयर्स के लिए इसको यूज किया जाता है, जो आपके लंप से फ्री हो, जिसमें ऑर्गेनिक मेटल ज्यादा नहीं हो, पेबल्स तो बिल्कुल अलाउड नहीं होते, क्योंकि ब्रिक में तो क्या होता था, थिकनेस होती थी, इट शुड हैव अराउंड 100 mm थिकनेस, सो वहाँ केस में हम यूज हो सकते, लेकिन यहाँ इट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्स एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेबल्स। उस केस में टाइल क्ले आर एक्सट्रैक्टेड एंड क्लियर फ्रॉम द फ्रेगमेंट पेबल्स एंड ऑर्गेनिक, वही जो हमने क्ले को तैयार किया था पग मिल्स में, क्या किया इसको इवनली हमने एकदम पाउडर फॉर्म में किया, ठीक है। पाउडर फॉर्म में करने के बाद में इसमें हमने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद में इसका वापस एक होमोजीनियस मिक्स बनाया, वही काम हमने जो ब्रिक के अंदर किया था वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यू कैन सी द प्रिपरेशन ऑफ क्ले प्रोसेस, ठीक है। वाटर ऐड करके आप इनके जो लम्ब्स होते हैं उन लम्ब्स को आप क्या करते हैं अलग से सेपरेट करके, और उनको या तो आप रिमूव कर देते हैं या उनको एक यूनिफॉर्म क्ले आपको तैयार करने होते हैं विद एडिशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और यही काम हमने ब्रिक के केस में किया था। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका दैट इज द मोल्डिंग। मोल्डिंग प्रोसेस बेसिकली दो तरह से होता है आपका, मोल्डिंग पैटर्न तीन तरह से होता है। पहला आपका वुडन पैटर्न, वुडन ब्लॉक्स आप जब देखेंगे, जैसे हमने टेबल मोल्डिंग करा था, ग्राउंड मोल्डिंग करा था ब्रिक के केस में, वैसे ही आपका ये वुडन्स के जो मोल्ड्स होते हैं उस मोल्ड के अंदर इनको क्या करा जाता है, मोल्ड किया जाता है, ठीक है। एक तो वुडन पैटर्न हो गया, दूसरा आपका जो क्वार्टर व्हील का जो था हमने बात करी थी, जहाँ पे अर्दन वेयर आपके तैयार किए जाते थे, ठीक है, वहाँ पे जो एक रोटेटरी आपकी डिस्क होती थी, आपने देखा होगा जो कुमार हमारे बर्तन बनाता है इस तरह का क्या होता था, वहाँ पे रोटेटरी वो होता था, और उस रोटेटरी के ऊपर हम इस तरह से क्ले का एक फॉर्मेशन तैयार करते थे। तो दोनों तरह से आप इसको कर सकते, जितने भी आपके इलाहाबाद और जो मैंगलोर टाइल्स है आपका या पोर्ट टाइल्स है उनको आप इस तरह से पोर्टर व्हील मेथड्स के थ्रू भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह की मोल्डिंग होती है आपकी, एक वुडन पैटर्न जो आपके मोल्ड्स होते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ इसको उल्टा एकदम करके जो भी आपको साइप और सेज देनी होती है उसके डिजाइनिंग से आपको उस मोल्ड के ऊपर तैयार करनी होती है, अगर आपको कुछ डिजाइन प्रोवाइड करानी है तो, अदरवाइज फ्लैट टाइप आप एकदम फ्लैट वुडन पैटर्न के ऊपर तैयार कर सकते हैं। मोल्डिंग एक आपका होता है वो होता है मशीन मोल्डिंग, ठीक है। मशीन मोल्डिंग के केस में आप देखें, अगर आपको लार्जर स्केल पे कंस्ट्रक्शन करना होता है तो उस केस में आपको मशीन मोल्डिंग यूज ली जाती है, और मशीन मोल्डिंग में जिस भी शेप के आप चाहते हो उस शेप के आपको क्या करनी होती है, डाइज तैयार करनी होती है, ठीक है। डाइज आपने सबने देख रखा होगा, डाइज के केसेस में आप जो आपके सैंपल्स होते हैं जैसे उसमें जिस रिक्वायर्ड शेप में और साइज में आपको तैयार किया जाता है वो डाइज आपको तैयार करना होता है। इट कम्स आउट फ्रॉम ए डाई ऑफ रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूअस बैंड एंड रिबन, सूटेबल लेंथ्स आर देन कट फ्रॉम द क्ले बैंड टेकन फॉर द ड्रॉइंग। मशीन मोल्डिंग आपका मशीन के केसेस में किया जाता है, ठीक है। मैं आपको ये केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके वैसे तो सिलेबस में नहीं, लेकिन इन केस अगर आपको कहीं पूछा जाता है कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मोल्डिंग हमने करा, एक आपका जनरली जो वुडन मोल्ड है वहाँ से किया आपने, फिर दूसरा आपने मशीन मोल्डिंग करी, और तीसरा आपने पोर्टर व्हील के उस पर किया। अब ड्राइंग के प्रोसेस में आपने ऑलरेडी हमने, क्योंकि ड्राइंग आपकी इसलिए, ड्राइंग का प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इनकी थिकनेस जो होती है बहुत कम होती है, तो उस केस में अगर आपने प्रॉपर ड्राइंग नहीं करी, प्रॉपर हैंडलिंग अगर आपने नहीं करी, तो इनका क्या होगा, डिफॉर्म होने का चांस होता है, ठीक है। मुड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, इजिली ब्रोकन भी आपका हो सकता है, क्रैक्स भी इस पर डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग का केस आपका जिस तरह से हमने
वहाँ पे हॉट एयर जो आपका था नेचुरल ड्राइंग के केसेज में नहीं रखते, क्योंकि नेचुरल ड्राइंग में आपका इसमें वॉपिंग का केस आपको हो सकता है। इस तरह से आपका मशीन ड्राइंग होती है इसमें, ठीक है। ये आपका देख रहे हैं आप अलग अलग ट्रे के जो सेक्शंस होते हैं, इस तरह की आपकी ट्रे होती है, इनके ऊपर इनको प्लेस किया जाता है और प्लेस करने के बाद में यहाँ पे हॉट एयर आपकी फ्लो करी जाती है, ठीक है, जहाँ से ड्राइंग प्रोसेस आपका किया जाता है। वहाँ हम क्या करते थे, मशीन ड्राइंग भी और आपका नेचुरल ड्राइंग भी करते थे, लेकिन ये आपका इस तरह से आपका ये मशीन जो आपका है ड्राइंग मशीन है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं इस तरह की ट्रे के ऊपर अलग लेयर टू लेयर में आप इसको प्लेस करते हैं और उसके बाद में हॉट एयर को सर्कुलेटेड करते हैं, तो आपका ड्राइंग प्रोसेस है। ड्राइंग प्रोसेस के बाद में अगेन बर्निंग प्रोसेस इज डन इन द स्पेशल टाइप ऑफ क्लिन, वी कैन से इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्लिन। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, देखिए इस तरह से आपका ये बर्निंग का प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। अब आपको लार्ज नंबर ऑफ अगर आप बर्निंग कर रहे हैं तो इनका कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है बर्निंग का प्रोसेस समझ लीजिए, द फ्यूल्स आर फिल्ड और द फ्यूज आर फिल्ड विद द फ्यूल एंड कवर्ड बाय लेयर ऑफ बर्न ब्रिक दैट आर लेड फ्लैट विद अ सफिशियंट स्पेस बिटवीन द अलाउड टू हीट द पास। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने जिसको वो करना है हमने फ्यूल उसके अंदर फिल किया और एक आपका जो ओवरबर्न जो ब्रिक्स होती है उनकी लेयर हमने तैयार करी। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, टाइल्स आर स्टैक्ड ओवर द ब्रिक लेयर एज वाइज विद द स्पेस इन बिटवीन टू फुल क्लीन हाइट, ए लेयर ऑफ एस और ओल्ड ब्रोकन टाइल्स इज लेड अप टू द टॉप ऑफ टू कंजर्व द हीट। हमने फिर क्या करा, इसके अंदर टाइल्स को हमने इंसर्ट करा, ठीक है, इस तरह से आपका टाइल्स को आपने इसके अंदर इंसर्ट करा लेयर बाई लेयर के अंदर, ठीक है, चारों तरफ से आपने ये जो है ब्रिक का आपने इसका बॉर्डर तैयार करा। इसके बाद में आपने बर्निंग करी, अब आपका बर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या कर रहे हैं, आपने क्लीन जब आपकी फुली लोडेड होगी उसके बाद में आपने उसके डोर क्लोज कर दिए, ठीक है, और डोर क्लोज करने के बाद में आपका जो ब्रिक जो लेयर थी उसको आपने मोर्टार के थ्रू मड मोर्टार के थ्रू आपने उसको पैक कर दिया। फिर नंबर फोर्थ इज आपका जब आप उसमें क्या करते हैं फायरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फायरिंग आपने स्टार्ट करी फॉर अ कंटिन्यूस अबाउट 72 आवर्स ड्यूरिंग विच टाइम टेम्परेचर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। आप अलग अलग टाइप से उसके टेम्परेचर को वेरी करते हैं आप उस तरह से, ठीक है ना। तो ये बर्निंग का प्रोसेस आपका होता है। एक बार आपने जो एक बैच ऑफ आपका टाइल जो आपका होता है उसको बेसिकली हम क्या करते हैं उसको हम स्लैकिंग का प्रोसेस भी कराते हैं, ठीक है, और उसके बाद में अगेन हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो स्लैकिंग का प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्लैक रीटिंग जिसमें हल्का सा हम क्या करते हैं वाटर का स्प्रे भी करते हैं, ठीक है। ये आपका बर्निंग का बहुत कॉमन सा प्रोसेस है, अगर कभी एग्जाम में आपका पूछता है मैन्युफैक्चरिंग में तो इसके बारे में हम इसके डिस्कस कर सकते हैं।